बात होती है कहेंगे आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। हमारे लोग भी कहते हैं कि उसको आरक्षण से नौकरी मिल गई तो धनी हो गया। 90% मेरे लोगों की सोच है कि आरक्षण केवल इसलिए है कि उससे हम नौकरी पा करके पैसा कमाएंगे, आरक्षण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और यही कारण है कि जब प्रमोशन में आरक्षण समाप्त होता है तो जिनको नौकरी मिली हुई है वो हम जैसे लोग काँव 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 करते रहते हैं और आम जनता का, आम समाज का समर्थन नहीं मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसे मुद्दों को हमारे समाज के आम लोगों का समर्थन क्यों नहीं मिलता? 1% से भी कम लोगों को नौकरी मिली हुई है आरक्षण से। 90 से 99, 98% मेरा समाज आज भी गरीब है। आज वो मुद्दों से जूझ रहा है जिनकी हम चर्चा नहीं करते हैं। आरक्षण का उद्देश्य बाबा साहब ने इसलिए दिया था कि हमारा प्रतिनिधित्व रहे, हमारा रिप्रेजेंटेशन रहे, उससे आर्थिक विकास से कोई लेना देना नहीं है। हर स्तर पर मेरी भागीदारी रहे जिससे हमारे लोगों के साथ अत्याचार ना हो सके, जब वो जाए तो हम उनको न्याय दे सकें और उनको भी राष्ट्र में संपूर्ण भागीदारी का एहसास हो, देश और राष्ट्र मजबूत हो। लेकिन क्या हम ऐसा कह रहे हैं? ज्यादातर आरक्षण से पाए हुए नौकरी के लोग अपने अन्य वर्ग के लोगों से तुलना करते हुए चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, यहाँ तक अपने समाज के भाइयों से बिना घूस लिए हुए काम नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसे लोगों के ऐसे आरक्षण से नौकरी पाए लोगों को कभी समाज समर्थन करेगा? कितने एक लोग, मैं किसी को नहीं कहता हूँ, अपने दिल पर हाथ रख के दीजिए कि जब आपके सामने आपके समाज का आदमी जाता है, आपको आरक्षण से नौकरी मिली हुई है तो उसको आप कितनी सहूलियत देते हो, उसके जायज काम को कितना देते हो, कानूनन जो उसको हक दिया गया है उसको आप देते हो, परेशान नहीं करते हो? आप जरा इस बात को सोचो। 2-4 दिन रोज रोज आप लोगों से मिलते होंगे, उनकी भी आदत और हैबिट्स को सोचो कि क्या वो मदद करते हैं, क्या आरक्षण इसीलिए दिया गया है? और याद रखिए, दुनिया में कानून कमजोर के लिए बनाया गया है, सबल लोगों के अत्याचार को रोकने के लिए जो व्यक्ति कानून से काम करेगा वो निश्चित रूप से कमजोर वर्ग का मदद करेगा, जो कानून विरोधी काम करेगा वो महा अन्याय कमजोर समाज के साथ करता है, चाहे वो अपने समाज का हो चाहे दूसरे समाज का। और जब तक आप इस बात को नहीं उठाओगे, जमीन की बात नहीं करते हो, नक्सल आदिवासी मारे जा रहे बात नहीं करते हो, उनकी गरीबी की बात नहीं करते हो, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की बात नहीं करते हो, बस केवल एक मुद्दे पर चर्चा करते हो, आरक्षण आरक्षण। और याद रखिए, यह समाज के 99% लोगों की बात को हमने, भावनाओं को नहीं किया, उनके प्रति यह साबित करने की कोशिश नहीं किया अपने आचरण और चरित्र से कि आरक्षण से हम आए हुए हैं तो हम आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, कम से कम आप मेरे पास आओगे तो वो अन्याय नहीं होगा जो अन्य लोग आपके साथ करते हैं, उस भ्रष्टाचार का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा जो अन्य लोग आपके साथ करते हैं, तभी आपके साथ हो देंगे, नहीं तो याद रखना जा रहा है आगे निश्चित रूप से आरक्षण आपका चला जाएगा, काम काम करने से कुछ नहीं होगा।